देखिए फ्रेंड्स, समस्या बहुत होती है हम गार्डनर लोगों के लिए कि हम गर्मी में कौन कौन से प्लांट लगाएं। तो जो कि हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई में आपको कौन कौन से पौधे लगाने हैं उसके बारे में आज छोटी सी बात बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी गुलेर का। गुलेर कई कलर में आता है, देसी, हाइब्रिड। देखिए, ये मेरा हाइब्रिड और भर भर कर इस पर कलियाँ आ रही हैं। मैंने इसके कई कलर लगा रखे हैं। और सेकेंड नंबर पर आता है सबसे अच्छा प्लांट और हार्डी प्लांट, ये है मेरा कनेर का प्लांट। कनेर का प्लांट ये देखिए, मेरा गुच्छों वाला कनेर है। और देखिए, हर बंच पर इस पर फ्लावरिंग आ रही है। बहुत सुंदर इसका प्लांट्स का नज़ारा होने वाला है। देखिए, ये ब्लूम भी होने वाली है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है, देखिए, ये मेरा पीला रंग का कनेर है। बहुत सुंदर सुंदर अब इसके भी कलर आने लगे हैं। मेरे पास मिनी कलर भी है, ऑरेंज कलर, क्रीम कलर, कई कलर हैं। इसके बाद आप देखिए, ये है टिकोमा वाइन। आप सब जानते हो, बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली वाइन है ये। बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। बहुत सुंदर सुंदर कलर आने लगे हैं। मेरे पास पर्पल कलर की भी थी, लेकिन वो ख़राब हो गई, मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाई। और उसके बाद देखिए, येलो कलर बहुत सुंदर है। इसका ऑरेंज कलर भी बहुत सुंदर आता है। जैसे जैसे गर्मियों का मौसम होता जाता है, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आप लगाइए, देखिए, ये है मेरा चोरा चोरी का प्लांट। और इसमें एक बार फूल खिलने के बाद दोबारा ये देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी बडिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सुंदर प्लांट है, एक बार अपने बगीचे में लगा लीजिए। और उसके बाद सालों साल आपका ये प्लांट ख़राब नहीं होगा। बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत अच्छा प्लांट है। इसका प्लांट आप लोग ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि गुच्छों में भरकर जब इस पर फ्लावरिंग आती है तो बहुत सुंदर लगता है। इसके बाद है ये जूही। जूही बहुत ही सुंदर गर्मियों का प्लांट है। और ये कटिंग के द्वारा भी लग जाता है। इस पर वाइट कलर का बहुत सुंदर फ्लावरिंग आती है। अभी इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा खुशबू वाली फ्लावरिंग आती है। ठीक है, इसके बाद है ये बेला। बेला पर बहुत अच्छी खुशबू वाला देखिए फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा फ्लावर आ भी चुके हैं और झड़ भी चुके हैं। बेला, चंपा, ये देखिए, ये जूही है, इस पर भी देखिए बडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये प्लांट आप बहुत आसानी से अपने बगीचे में लगा सकते हो। उसके बाद आता है, ये है मेरा चंपा। रेड कलर का चंपा है। और आप देखिए, इसकी स्टेम कितनी मोटी स्टेम है। ये देखिए, बहुत लंबी स्टेम है और बहुत मोटी है। इसको भी हम कटिंग के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इस पर रेड कलर का, ये मेरा रेड कलर का चंपा है। एक वाइट कलर का चंपा भी आता है, तो ये मेरा रेड है। आप इसको भी बहुत आसानी से लगा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये बोगनविलिया। बोगनविलिया देखिए, आजकल बहुत अच्छे कलर में आ चुका है। और जब इस पर फ्लावरिंग आती है तो देखिए कितना अच्छा सा इसका नज़ारा है। फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है और गमला भी ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा। देखिए, ये मेरा इसको बढ़ने नहीं देती। 2 से 3 साल का ये मेरा प्लांट है और बहुत आसानी से ये प्लांट मेरा चल रहा है। तो आप बेगमबेलिया के बहुत सुंदर कलर आते हैं, येलो, अब तो पर्पल कलर भी आने लगा है। तो आप इसको, बेगमबेलिया को, अपने बगीचे में ऐड कीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, यह है कचनार। कचनार का फूल बहुत सुंदर आता है और ये सब्जी बनाने के काम में भी आता है। और इस पर ये गर्मियों में आसानी से लग जाता है। तो कचनार को भी आप ऐड कीजिएगा। बहुत सुंदर प्लांट है और इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसको लगाइए और अपने बगीचे की देखिए कितनी सुंदर शोभा बढ़ेगी। ये देखिए, फूल देखिए। और सबसे लास्ट में कहूँगी मैं आपको, ये बास्केट, सॉरी, ये है मेरा बेबी सनरोज। ये देखिए, फूल तो बहुत छोटा आता है, लेकिन इतना सुंदर, इतना मन को मोहने वाला होता है। और इसको हम आसानी से कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप गर्मियों में कुछ ऐसे ही प्लांट लें कि जो कि हमारे आसानी से लग जाए। ऐसा कोई प्लांट ना लें जैसा कि गुलाब। गुलाब बिल्कुल ना लें, क्योंकि गर्मियों में वो सर्वाइव नहीं करता और वो
ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो देखिए, है ना कितना सुंदर। बाय फ्रेंड्स।